राजनीति के साथ समाज सेवा को जोड़ करके रोहतक में एक विशिष्ट पहचान बनाए हुए बलराज कुंडू और आज अखिल भारतीय महिला रक्षा मंच द्वारा सम्मानित हरियाणा शाले हरियाणा गौरव अवार्ड। और हम बात करते हैं बलराज कुंडू जी से। सर, वर्तमान में हरियाणा प्रदेश में महिलाओं की शक्ति को लेकर के आपकी क्या सोच है? आप पूरे में प्रयासरत रहे हैं लड़की और महिलाओं की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए, आज क्या सुझाव है आपके और क्या संदेश है समाज के लिए? मेरा ये मानना है जब हम अपने घर से इस बात की शुरुआत करेगा, हर परिवार, हर शख्स, हर हरियाणा वासी, हर प्रदेश वासी, जैसे मैं बात करूं जैसे नारी के ऊपर किस प्रकार से बड़े बड़े मंच पे मंथन होता है, विचार गोष्ठियां होती हैं, बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं जिसमें नारी को अबला और कमजोर शब्द यूज करके इस टाइप की वार्तालाप होती है। मैं इसके विपरीत अपने विचारधारा रखता हूँ। मेरा यह मानना है जिस प्रकार से आज हम बात करते हैं कि हमारी बेटी अनसेफ है, बाहर जाती है उसको तरह तरह की, मैं ये मानता हूँ जिस दिन वो बहन, वो बेटी अपने घर में अपना जो उसका भाई है उस भाई से अपने घर में एक संकल्प लेगी कि वो जो मान सम्मान और प्यार अपनी बहन के लिए बाहर समाज में चाहता है, वो बहन, वो बेटी अपने भाई से दूसरे की बहन के लिए भी ये संकल्प लेगी, तो मेरा ये मानना है कि कोई भी बहन असुरक्षित नहीं होगी और हर बहन का भाई दूसरे की बहन को भी वही मान सम्मान और प्यार देगा तो निश्चित रूप से इस देश और प्रदेश में राम राज होगा। मैं इन विचारधाराओं को मानने का जी। और हमारे साथ है मनोरमा जी। मनोरमा जी, महिलाओं के लिए क्या संदेश है आपका? महिलाओं को अपने अधिकार लेने होंगे, अधिकार कभी दिए नहीं जाते, लिए जाते हैं। नंबर दो, हमारे बेटों को सुसंस्कार देने की आवश्यकता है आज के समय। वो सुसंस्कारी होंगे तो ये सब घटना ही नहीं होंगी और समाज में कोई भी अप्रिय घटना हमें देखने को सुनने को नहीं मिलेगी। और निश्चित तौर से माता जो प्रथम शिक्षक भी होती है अपने बच्चों के लिए, अपने और आज यहाँ अखिल भारतीय महिला रक्षा मंच द्वारा आयोजित शाने हरियाणा गौरव अवार्ड में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया जहाँ महिलाओं की स्थिति को लेकर बुद्धिजीवियों ने, समाज सेवी संस्थाओं ने, प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए और समाज को एक संदेश देने का काम आज इस मंच के माध्यम से किया गया था कि भारत की 50% आबादी की महिलाएं जो आज पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है, किस तरह से उनकी स्थिति को और अधिक बेहतर बनाया जा सके। हमारे साथ है आज कार्यक्रम की संयोजिका और स्कूल की मैनेजमेंट की डायरेक्टर प्रोमिला जी। क्या मैसेज है आपका? मेरा मैसेज है कि अगर एक शिक्षक सही शिक्षा अपने बच्चियों को देता है, अपने विद्यालय में देता है, तो वो बच्चियां किसी भी रूप में, किसी भी क्षेत्र में अपना परचम, अपना नाम फहरा सकती हैं, अपने देश का नाम रोशन कर सकती हैं। ये हर बार महिलाएं अपना नाम दर्ज करवाती आई हैं और आगे करवाती रहेंगी। अगर शिक्षिकाएं और शिक्षक मजबूत हमारे देश में हैं, तो हमारे देश की बेटियां कहीं भी कमजोर नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना। और निश्चित तौर से इस तरह के कार्यक्रमों की आज आवश्यकता है अपने समाज को एक संदेश देने के लिए। इस तरह के कार्यक्रम से उन युवाओं को, स्कूली विद्यार्थियों को एक प्रेरणा मिलती है और एक मार्ग प्रशस्त होता है। विजय जी, बधाई आपको इस सारे कार्यक्रम।